जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। अमेरिकन इस चीज पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफी डाल दी है, फिर जफी पा दी है ना। और वो जो है, वो जारी बात है, सारी की सारी जफी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है, लेकिन जफियां पुतिन नु पांदा है, यार मारा है जफियां पुतिन को डालता है। अब चाइना ने जाकर के फाइनली सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए कि नहीं, जहां 2020 पे आप पेट्रोलिंग कर रहे थे वहां के जाकर। अच्छा जी, मैं उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोलना चाहूंगा जो के बोल रहे थे कि इंडिया को बड़ी कुट मारी, अब तो शर्म से डूब मरोगे। और वो जो रावी दरियाए रावी जिसको बोलता है ना आपका वो इमरान खान, क्या अब गंदा नाला बन चुका है, उसी में डूब के मरना, क्योंकि चाइना ने बिल्कुल सीधे सीधे सरेंडर मारा है यहाँ पे। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आपको उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। आपका ये कहना है कि अगर चाइना लद्दाख से हट रहा है तो इसमें चाइना का फायदा है क्योंकि वो इंडिया को नहीं डरा सकता। ये exactly. अब बिल्कुल भी नहीं डरा सकता था। अगर हम बैक 5 ईयर टू 6 ईयर चले जाए ना, तो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के जाना वो खड़ा होता था, लेकिन अब 2-3 सालों से अच्छे डंडे चला रही है चाइना। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसकी रीजन यही है कि अब जब कंट्री जो है ना वो इकोनॉमी वाइज अगर ग्रो करती है ना, तो आपका जो है ना वो दुनिया के ऊपर इमेज ही डिफरेंट बन जाता है। सो इंडिया तो रशिया से पीछे नहीं हटने वाला, ये जो करना है वेस्ट नहीं करना है। बड़ी देखिए, इंडिया की आज इकोनॉमी अच्छी ना होती, इंडिया एक आज कंज्यूमर मार्केट ना होती, तो उन्होंने इंडिया को साढ़े पंजाबी चांदे ने चने चबा दे। अब इमेज एग्जैक्टली अब इमेज जो है ना वो इंडिया का एक डिफरेंट जो है ना वो जाता है चाइना के पास, और उनको पता चल गया कि भाई आने वाले दिनों में जो है ना वो इसका मुकाबला करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों ये सच्चाई है कि ना अमेरिका कभी किसी का दोस्त बना है ना बनेगा, ना चीन कभी किसी का दोस्त बना है ना बनेगा, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए खेलते हैं। हकीकत में पूछा जाए तो भारत का सिर्फ एक ही दोस्त है, रशिया या फिर इजराइल, बस। हमेशा इन्होंने ही हमारा साथ दिया है, लेकिन अपने मतलब के लिए ये चीन और अमेरिका भारत को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी का आप जानते हैं, मोदी जी वो गेम खेलते हैं जो किसी की समझ में ही नहीं आता। सच पूछो तो ये लोग जहाँ सोचना छोड़ देते हैं, मोदी जी वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा अमेरिका को मैंने पंगा किससे लिया है। बड़ा कनाडा को पीछे लगा लगा के, खालिस्तानी को पीछे लगा के भारत को तंग कर रहा था कि मोदी जी किसी तरीके से चीन से लड़ाई लड़ लेंगे और इसका फायदा हो जाएगा। मोदी जी ने ऐसी पटकनी मारी है कि अमेरिका पीछे से सूझ गया है और चीन नीचे आ गया है। अब पाकिस्तान इधर से मर रहा है, उधर से अमेरिका फंस गया, कनाडा साथ में। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों मोदी जी की इस चाल के बाद। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया, ठीक है। बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है। और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफी डाल दी है, फिर जफी पाती है ना। और वो जो है, वो जारी बात है, सारी की सारी जफी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है, लेकिन जफियां पुतिन नु पांदा है, यार मारा है जफियां पुतिन को डालता है। जो आज एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में क्या, इस एग्रीमेंट में ये है कि हम पेट्रोलिंग करेंगे। चाइना मान रहा था कि नहीं आप पेट्रोलिंग नहीं करेंगे उन एरियाज में जहां तक आप 2020 में पेट्रोलिंग कर रहे थे। चाइना से 4 साल तक हमारी लंबी जद्दोजहद चली, चाइना बार बार कोशिश करता रहा कि हमारी ट्रेड रिलेशंस बेटर हो जाएं, ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो जाएं। हमने उसका टिकटॉक बैन कर दिया, उसकी 50 से ज्यादा ऐप कर दी, हमने सीधे सीधे चाइना की इकोनॉमी पे अटैक किया, चाइना के लैपटॉप्स बंद किए, चाइना के बहुत सारे इंपोर्ट्स हमने बंद किए। चाइना पे अटैक अमेरिका भी कर रहा था, हमने भी किया। अच्छा, चाइना की इकोनॉमी टूट भी रही थी, चाइना की इकोनॉमी टूट रही थी। हम लोगों को ऐसे टाइम पे
मौका बोलिए, जो बोलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी बोलिए, या ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो है ही है, लेकिन इसके साथ एक विक्ट्री और है यहाँ पे, ये मिलिट्री विक्ट्री भी है, क्योंकि मिलिट्री विक्ट्री नहीं होती, हम चाइना के सैनिकों को नहीं मारते वहां पर गलवान में, क्योंकि चाइना के भी सैनिक मारे गए थे, इसलिए चाइना गलवान पे ही रुक गया, वरना वो आगे बढ़ने के मूड में था। अच्छा, जहां पे आगे गलवान पे सैनिक मारे गए थे, हमारी पेट्रोलिंग उससे थोड़ी सी आगे चलती थी, वहां तक हम चाह रहे थे हो, चाइना बोला नहीं, और इतने टाइम से यही अटका हुआ था। अब चाइना ने जाकर के फाइनली सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए कि नहीं, जहां 2020 पे आप पेट्रोलिंग कर रहे थे वहां के जाकर। अच्छा जी, मैं उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोलना चाहूंगा जो के बोल रहे थे कि इंडिया को बड़ी कुटमारी, अब तो शर्म से डूबरोगे। और वो जो रावी दरिया, दरियाए रावी जिसको बोलता है ना आपका, वो इमरान खान के, अब वो गंदा नाला बन चुका है, उसी में डूब के मरना, क्योंकि चाइना, चाइना ने बिल्कुल सीधे सीधे सरेंडर मारा है यहाँ पे। स्मार्ट गाय है ना, इज अ स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना, नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें, फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक चीज याद रखें, टू बी अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर फॉर 1.4 बिलियन पीपल, दैट मेक्स सेंस, इट मींस द पर्सन हैज गट्स, उसके पास स्टोरी है। दो दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, क्या बोला मोदी, जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि पिछले 70 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था, तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था, रशियंस खड़े हुए थे और हमें वेपन्स उन्होंने हमें वेपन्स दिए और किसी ने हमें वेपन्स नहीं दिए। सो इंडिया तो रशिया से पीछे नहीं हटने वाला, ये जो करना है वेस्ट नहीं करना है। बड़ी देखिए, इंडिया की आज इकोनॉमी अच्छी ना होती, इंडिया एक आज कंज्यूमर मार्केट ना होती, तो उन्होंने इंडिया को साढ़े पंजाबी चांदे ने चने चबा दिए। गवर्नमेंट आई है वहां पे, एक तो कंसिस्टेंसी आई है वहां पे गवर्नमेंट की, उसके साथ साथ जो है ना इकोनॉमी बहुत ऊपर गई है वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए, एग्जैक्टली, तो उन्होंने काफी ज्यादा जो है ना वो डेवलप किया, लद्दाख वाली साइड पे भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वहां में देखने को मिली है, जिसकी वजह से अब चाइना ने देखा है कि भाई अब हमारा जो है ना मुकाबला 1-1 हो गया और 50-50 हो गया, अब ऐसा नहीं है कि हमारी डोमिनेंस वहां पे रही नहीं है चाइना की, इस वजह से बजाय इसके जानी नुकसान हो, हमारी भी फौज जो है ना वो मरे, उनकी भी मरे, उसके अलावा जो है ना वो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो, तो बजाय इसके जाना वो एक सेफ एग्रीमेंट किया जाए और इनके साथ तल्लुकात को बहाल किया जाए, ताकि हम आने वाले दिनों में ना फ्यूचर में इनके साथ ट्रेड भी कर सके और इन अपनी इकोनॉमी को ग्रो भी बेटर तरीके से कर सके। चाइना ने अपनी सेफ साइड खेली है। एग्जैक्टली, अपनी सेफ साइड के लिए, भाई दुनिया है ही लालची, दुनिया अपनी सेफ साइड खेलती है, हम चाइना को ऐसे ना समझे कि भाई चाइना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, भाई कोई भी मुल्क जो है ना वो अपनी सबसे ज्यादा अपना फायदा देखते हैं। अब चाइना को अपना फायदा इंडिया में नजर आ रहा था कि भाई इंडिया जितना ग्रो कर रहा है वहां पे, आप टेक इंडस्ट्री देख लें, आप ये मोटर इंडस्ट्री देख लें, मैं कहता हूं दुनिया, अब चाइना को उसने बीट कर दिया भाई। और डिफेंस में भी इंडिया के DRDO की बात करें और भी प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो बड़ी से बड़ी डिफेंस टेक्नोलॉजी इस वक्त इंडिया के है, दो उन्होंने जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स बना दी हैं, इंडियन ओशन पे भी इंडियन आर्मी की पावर नजर आ रही है, बॉर्डर पे भी पावर नजर आ रही है, तो आपका ये कहना है कि अगर चाइना लद्दाख से हट रहा है तो इसमें चाइना का फायदा है, क्योंकि वो इंडिया को नहीं डरा सकता, ये अब बिल्कुल भी नहीं डरा सकता था। अगर हम बैक 5 ईयर to 6 ईयर चले जाए ना, तो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के जो है ना वो खड़ा होता था, लेकिन अब चाइना के पास, और उनको पता चल गया कि भाई आने वाले दिनों में जो है ना वो इसका मुकाबला करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर चाइना की ट्रेड जो है ना वो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता है, मैंने अभी जैसे कि बताया दूसरी बड़ी जो है ना वो पॉपुलेशन वाइज कंट्री है, तो इतनी बड़ी मार्केट को आप जो है ना वो उससे वो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आपके दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, जो कमेंट में लिखकर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।